हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ रेडिस यूट्यूब चैनल। यहां आपको बताया जाता है डीडी फ्रेडिस में होने वाले प्रॉब्लम्स का अच्छे से अच्छा सलूशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे टीवी स्क्रीन पर नो सिग्नल आ रहा है। उसका कारण है दोस्तों कि इसमें मैंने इसका जो एंटीना का वायर है, जो एंटीना का केबल, वो नहीं लगाया दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नो सिग्नल आने पर हो सकता है आपका LNB ख़राब हो या फिर कुछ और भी ख़राब हो। बहुत सारे कारण से नो सिग्नल आता है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर LNB आपका ख़राब है तो कैसे पता करेंगे कि LNB ख़राब है, या फिर छतरी हिला हुआ, या फिर आपका सेटअप बॉक्स ख़राबी, या फिर आपका वायर जो केबल होता है वो ख़राब है, तो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि LNB ख़राब रहने पर कैसे पता किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो LNB है और इसे मैं अभी अपने सेटअप बॉक्स में लगाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए छतरी का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि छतरी आपको चाहिए, इसे चेक करना बहुत ही आसान है और यही बताने वाला हूँ अभी आज के इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस केबल को मैंने लगा दिया अपने सेटअप बॉक्स में और अब आप देख सकते हैं जो दूसरा सिरा है, इसका दूसरा छोर है, वो एक LNB में मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस LNB में लगाने के बाद दोस्तों, अब मैं आपको क्या करूँगा कि यहाँ पर एक सिग्नल बटन होता है आपके रिमोट में, उसे दबाकर दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सिग्नल बटन दबाया। जैसे ही सिग्नल बटन दबाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये LNB लगा हुआ और सिग्नल क्वालिटी या सिग्नल इंटेंसिटी जो देख रहे हैं वो 0-0 है दोस्तों। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ कि अब जो वो एक और LNB है उसे लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये दूसरा वाला LNB है, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने LNB लगाया, देखिए वहाँ पर सिग्नल जो क्वालिटी, सिग्नल इंटेंसिटी आपको दिख रहा है, वो देखिए उसमें इजाफा होगा दोस्तों। तो अगर आपका LNB अगर ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि जैसे ही लगाएंगे तो उसमें देखिए सिग्नल इंटेंसिटी 84 है और सिग्नल क्वालिटी है जो कि आपका 4-5 है। अगर छतरी पर जाएगा सही डायरेक्शन में तो वो सिग्नल है वो आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको ये लगा कर दिखाता हूँ कि इसमें कोई भी कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि LNB यह जो कि ख़राब है। तो एकदम आसानी से नीचे भी चेक कर सकते हैं या फिर अपने छतरी के ऊपर जाकर लगाकर भी ऐसे चेंज करके आप पता कर सकते हैं कि LNB ख़राब है या नहीं ख़राब है। तो देखिए दोस्तों, ये वायर आपस में सट गया है तो इसके कारण ये सेटअप बॉक्स बंद हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से, शायद ये इसका प्लग हिल गया था। तो देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आपको सिग्नल बटन दबा कर दिखाऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर 85 और सिग्नल क्वालिटी 4-5 है दोस्तों। तो ये देखिए, इससे ये पता चला दोस्तों कि आपका LNB ख़राब है। और एक सिचुएशन और भी ऐसा आता है दोस्तों कि जब आपका LNB ख़राब रहेगा तो ये सिग्नल इंटेंसिटी देख रहे हैं वो, अभी देखिए ये एकदम ठीक LNB है, तो कुछ ख़राब LNB में आपका 10-15 सिग्नल इंटेंसिटी है वो आपका 10 और 15 रहेगा, 20 रहेगा, या फिर जैसे अभी इसमें 0 दिखा रहा है, 0 भी दिखा सकता है, 10-15। लेकिन अगर आपका ये दोनों ऊपर का 85, 90 यानी 90, 85, 82 अगर ऐसा रहता है, नीचे का 4-5 है, तो आप समझिए कि आपका LNB बिल्कुल ठीक है। आपका डिश एंटीना से नो सिग्नल हो सकता है या फिर कहीं और से आपका नो सिग्नल हो रहा है। दूसरा चीज़ में एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि ये केबल ख़राब होने से भी ऐसा 0-0 आता है दोस्तों।